रक्षाबंधन पर भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इसी प्यार और विश्वास को कायम रखने के लिए बच्चों के बीच राखी क्रिएटिव आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों में कला के प्रति रुचि जागृत करने के लिए किसला इंटरनेशनल स्कूल जीतूलाल लेन ने राखी मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की। विद्यालय में कक्षा प्रथम से दसम वर्ग के बच्चों ने आकर्षक राखी बनाई। विद्यालय के निदेशक विनोद किसला एवं प्राचार्य सरोज जायसवाल ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वहीं बच्चों द्वारा बनाए राखी की भूरी भूरी प्रशंसा अतिथि स्वरूप निवर्तमान वार्ड पार्षद तारा देवी, वरीय समाज सेविका अंजू सिंह, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव, विनोद चंद्रवंशी, रोशन मेहता एवं फाउंडेशन के संरक्षक सह वरीय समाज सेवी रामजी योगेश ने बच्चों को राखी के महत्व पर प्रकाश डाला। जूनियर ग्रुप के अयांश को प्रथम, अयाना सिंह को द्वितीय, रुद्र मेहता को तृतीय पुरस्कार तथा सीनियर ग्रुप में अनुष्का मेहता को प्रथम, आदित्य को द्वितीय और अनिका को तृतीय पुरस्कार देने की घोषणा हुई। सौर्य भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। बच्चे सब बहुत अच्छा सुंदर सुंदर राखी बनाए हैं, इसके लिए बहुत सुंदर है। सभी को देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे राखी बनाए हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए आगे और अच्छा कला से बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही किसला इंटरनेशनल स्कूल भी इसमें ज्वाइंट है और इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं विनोद किसले जी और प्रिंसिपल प्राचार्य श्रीमती सरोज जायसवाल जी, तमाम शिक्षिकाएं और यहां के जो नन्हे मुन्ने छात्र हैं, इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति किया। राखी बनाओ प्रतियोगिता में लोगों ने भाग लिया और जो राखियाँ बनाए हैं छोटे बच्चों ने, बड़ा ही सराहनीय है। किसी ने तिरंगा के रूप में, किसी ने उसको जो है मोतियों के रूप में पिरोया है। तो हम तो इस बात से बहुत खुश हैं कि सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन के समीर रहोत्री जी और अमित खत्री जी, इन लोगों ने एक जो कंसेप्ट बनाया जिसमें मेरा भी सहयोग है। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम लोग जो राखी हर स्कूल में हर विद्यालय में जो संकलित कर रहे हैं बना करके, उसका उपयोग 12 तारीख को रक्षाबंधन के दिन जब महिलाएं निकलेंगी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए, तो उस अवसर पर सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से ई रिक्शा, लगभग 50 की संख्या में ई रिक्शा का परिचालन होगा गाय घाट, दीदारगंज, पटना की ओर। जो हमारा जो मतलब सड़क है जो जिधर जिधर जाती है वहाँ पर ये ई रिक्शा चलेगा और उस ई रिक्शा में जो महिलाएं हैं वो जाएंगी रक्षाबंधन के लिए। तो उनको यही राखी जो एकत्रित करेंगे हम लोग, वही यही राखी जो है छात्राओं के द्वारा बनाई हुई राखी उन लोगों को हम लोग देंगे महिलाओं को अपने भाइयों के कलाई पर बांधने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन का यह कार्यक्रम आगे इसी तरह बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एक मुहिम चलाई गई है जो पटना सिटी के विभिन्न गलियों और स्कूलों में ये कार्यक्रम लगातार चल रही है और हम आशा करते हैं कि नन्हे मन्हे बच्चों के बीच में राखी का जो प्रतियोगिता है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे रंग बिरंगी राखियां बनाए हैं अपने स्वयं अपने छोटे छोटे हाथों से, तो कहीं ना कहीं इनकी राखी जो बनाई हुई है वो हम लोग प्रेजेंट करेंगे उन महिलाओं को जो गरीब तत्व की महिला है और अपने घर से निःशुल्क। ये मुहिम जो है स्वर्ज भारत न्यूज सम्मी जी का देन है कि उन महिलाओं के लिए उसे ई रिक्शा जो है फ्री निकलेगी और लगातार पटना सिटी के गलियों में घूमेगी। हम सारी महिला से आह्वान करेंगे कि वो ई रिक्शा का उपयोग करें, अपना भाइयों को रक्षाबंधन बांधे। हमारे स्कूल में राखी बनाने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसकी आयोजनकर्ता सौर्य वेलफेयर फाउंडेशन है, जिनको मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हुई है। और दूसरी चीज़, बच्चों के द्वारा जो बनाई गई राखी है यह उन नौजवानों को या उन ऐसे लोग को दिया जाएगा या भेजा जाएगा जिन्हें राखी बांधने वाला नहीं है या उन तक राखी नहीं पहुंचती है, उनके लिए जो है खास करके विशेष व्यवस्था इनके मतलब सौर्य वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से किया गया है। ऐसे राखी बनाने की प्रतियोगिता तो हमारे यहाँ हर साल चलती है और चलते रहती है, लेकिन इस बार जो सौर भारत ने किया है
यह बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसके लिए मैं सौर भारत के टीम को, अमित खत्री और शमीर रोहतगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इसके संरक्षक हमारे रामजी ओवेश जी हैं और इनको भी मैं बधाई देता हूँ, जिनके माध्यम से, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।